हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल टेक्नोलॉजी टैग राउ। तो आज मैं तुम्हें तो संगा कि आप किस तरह जो कि वाईफाई जो कि अडेप्ट होता है वो हम अपने कंप्यूटर में कैसे जो कि इंस्टॉल करें। चलिए हम जाते हैं, मैं आपको मिलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलो। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सब सभी लोग देख ही सकते हैं कि मेरे पास ये बड़ा अडेप्टर है जो कि है वाईफाई अडेप्टर नैनो का। जैसा कि मैंने ये ओपन किया, इसके अंदर मुझे मिलती है एक जो कि वाईफाई अडेप्टर और एक जो कि है डीवीडी। अभी ये डीवीडी और ये वाईफाई अडेप्टर, अभी मैं वाईफाई अडेप्टर को जो कि है अपने जो कि है पीसी में लगाता हूँ। और आप देखो कि जो कि हमारे पास ये वाला अडेप्टर है ये अपने पीसी में लगा कर ही इंस्टॉल करना। जैसे कि आप कंप्यूटर में भी देख सकते हो कि हमारा कोई भी आइकन नहीं आया। फिर ये मैंने लगा दिया अपने जो कि है पीसी में जो कि वाईफाई अडेप्टर। आप भी याद रखें कि जब भी आप नया वाईफाई अडेप्टर ले, पहले पीसी में लगा लें, फिर उसके बाद कैस्ट या इसका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। जैसे कि मैंने अपनी जो कि कैस्ट भी लगा दी, तो हम चलते हैं अपने जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं जो कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि पहले मैंने लगाया था इसलिए ऐसा आइकॉन आया। मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप माय कंप्यूटर पर जाकर अपने जो कि कंप्यूटर सेटअप पर जाकर जो कि विंडो ड्राइव, जो आपके पास विंडो है विंडो ड्राइव, अगर मैक है मैकबुक ड्राइव, जो भी आपके पास जो भी है, या विंडो या लैपटॉप मैक, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपने इधर डबल टैप करना है। जैसे ही आप डबल टैप करोगे तो आपके सामने देखो, आप जैसे देख ही सकते हो कि मेरा वाईफाई जो कि कनेक्ट नहीं है। मैंने ये वाला जो कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इंस्टॉल करके कंप्यूटर में जो कि मेरा अडेप्टर जो कि है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हैं कि वेट करना पड़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर स्लो है मेरा थोड़ा सा, इसलिए। जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि ये जो कि है अडेप्टर प्रोसेस चल रहा है। जैसे आपके सामने ऐसा सेटअप आ जाएगा तो आप नेक्स्ट कर जो कि है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। मेरे कंप्यूटर में पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इसलिए ये नहीं आ रहा है इधर से। मैं जैसे कि आप सभी कुछ हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा जो कि फिनिश लिखा होगा, तो आप फिनिश कर सिंपल सा आपके सामने ऐसा आइकॉन आ जाएगा। तो फिर आपने इधर डबल टैप कर जो भी आपका कोई भी वाईफाई होगा उस पर कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएगा तो आपके ये डंडियाँ आ जाएंगे, जैसे कि अपने फ़ोन में टावर आते हैं। मैं आपको ब्राउज़र खोल कर बताता हूँ कि अभी मेरा नेट चल पड़ा या नहीं। जैसा सभी लोग देख ही सकते हैं कि मेरा जो कि वाईफाई राउटर पर नेट चल पड़ा, जो आपके सामने यूट्यूब खोल कर बताता हूँ अभी। आप देख ही सकते हैं कि जो कि मैंने जो कि यूट्यूब अपना ओपन किया और आ गया आइकॉन। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा लेट वर्क कर रहा है। अगर आपका नेट स्पीड में होगा तो आपका जल्दी ही खुल जाएगा। अभी इसकी स्पीड टेस्ट मैं आपको अगली भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें ये अडेप्टर की स्पीड कितनी आती है और हमें कौन सा ये अडेप्टर लेना चाहिए या फिर दूसरा अडेप्टर लेना चाहिए, जो कि वो अडेप्टर होता है एंटीने वाला। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे बात करते करते कहीं मेरे जो कि है नेट थोड़ा स्लो लेकिन चल पड़ा। हाँ जी, देखिए आपके सामने ही है ये टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आती रहती है।